नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पाठक परीक्षा प्लस परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी अभी आयोग ने नोटिस जारी किया है, जो आपका पीसीएस प्री 2020 है उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट पे आ गए हैं, आप लोग फिल कर सकते हो। ये एक आज से चालू है, स्टार्ट है, और ये आपका 21 मई तक जो है रहेगा। आपका जो पेमेंट डेट है वो 18 मई है और लास्ट डेट जो सबमिट का है फॉर्म का वो 21 अप्रैल है, 21 मई है। तो आज से स्टार्ट हो गया, आप लोग जाके वेबसाइट पे देख सकते हो। और कुछ लोग ऐसे होंगे कि अब सोचेंगे, अरे सर इसमें आ गया, अब क्या करें, अब तो टाइम ही नहीं है। अब एक्चुअली क्या है कि 21 जून को इसका एग्ज़ाम प्रस्तावित है, अगर ये 21 जून को एग्ज़ाम हो जाता है तो आप प्रिपेयर कैसे करोगे, ठीक, ये आपके मनोस्थिति में होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सभी लोग जान रहे हो कि एक महीने तक तो फॉर्म चलेगा, उसके बाद अगर लॉकडाउन की स्थिति सामान्य होती है तो जाके अब ये 21 जून को पेपर होगा। अगर सामान्य नहीं होती है तो पेपर 21 जून को मुश्किल है कि वो करा पाए, मगर वो आयोग है, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें आप जैसे देखे होंगे, बीओ के साथ हुआ, पीसीएस मेंस के साथ हुआ 2019 वाले में, कि उसने डेट निकाल दिया कि आपको 20 तारीख को होगा, मगर फिर बाद में स्थिति सामान्य नहीं हुई तो वो आगे चल गया। ऐसे ही हो सकती है अगर स्थिति सामान्य नहीं हुई, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हो कि स्थिति सामान्य नहीं है, दिन पे दिन केस बढ़ते जा रहे हैं, तो ये हो सकता है कि आपका 21 जून का पेपर आगे जाए। और ये भी हो सकता है कि अगर स्थिति सामान्य हो जाए तो आपका 21 को पेपर करा ले, ठीक है। आयोग बहुत तेज़ी से काम कर रहा है इस पर, क्योंकि जब आप सोच सकते हैं इस लॉकडाउन की स्थिति में आयोग घर बैठे बैठे आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन शुरू कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि अब आप भी क्या करो कि घर पे बैठे, क्योंकि अब कहीं जाना तो है नहीं, जितने लोग जॉब करते हैं उनकी भी छुट्टी है, ठीक है, और जो लोग कोचिंग भी पढ़ते थे उनकी भी छुट्टी है, तो आराम से घर बैठे बैठे आप लोग तैयारी करो। और इस तैयारी में परीक्षा प्लस टीम आपके साथ है, तो जितने भी लोग, ठीक है, प्री 2020 के लिए फोकस हो, हमारी टीम द्वारा क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, आप दोनों परचेस करो, ठीक है, वो आपको काफ़ी मदद देगा एग्ज़ाम में। और साथ ही साथ कि कैसे प्री को क्वालिफाई करना है, ठीक है, अब जो मैंने बताया था आपको पहले बुक वाले वीडियो में कि प्री और मेंस पढ़ो, ठीक है, तो उस टाइम ज़्यादा आपके पास टाइम था, उस समय आप प्री और मेंस दोनों लेके चल सकते थे। अब क्या है कि अगर 21 जून को पेपर होता है तो आपको क्या करना है, 21 जून को दिमाग में रखना, अभी भी 2 महीने, और 2 महीने में प्री आराम से आप क्रैक कर सकते हैं, बस स्ट्रेटेजी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रेटेजी अच्छी होने के लिए आपको सिर्फ पकड़ होना चाहिए कि प्री फोकस पढ़ाई कैसे करनी है। तो प्री फोकस पढ़ाई करने के लिए आपको जो जो सब्जेक्ट आते हैं, मैंने बताया था कि किसका वेटेज होता है, कितना होता है, मैं पूरा एक डिटेल वीडियो आपको अपलोड करूंगा कि आप पूरा सब्जेक्ट वाइज कि किसको पहले टारगेट करो, उसे टारगेट करो, उसे हिट करो, पूरा एकदम अच्छे से तैयार कर लो। तो ऐसे एक वीडियो अपलोड होगी, उसी स्ट्रेटेजी से आपको चलना है, तो 2 महीने में आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा आसान से। उसके बाद मेंस के लिए आपको, अगर 21 को होता है तो, अगर नहीं होता तब तो पास आपके पास टाइम होगा ही होगा, मगर ये माइंड मेकअप कर लीजिए कि 21 को हो गया तो मुझे तैयार रहना है, ठीक है। रही बात वैकेंसी की, आप लोग सुन रहे होंगे हर जगह ग्रुप में कि इस बार सर 2020 में वैकेंसी बहुत कम आई है, 200 के अप्रॉक्स बोला जा रहा है कि 200 से 250 के अप्रॉक्स वैकेंसी है। तो आपको वैकेंसी से दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ एक सिंगल सीट देखनी है पीसीएस में कि मुझे अब सिलेक्शन लेना है एक सीट पे, आपको चाहे एक वैकेंसी हो चाहे 10 वैकेंसी हो। रही बात वैकेंसी की, तो ये वैकेंसी हर बार ऐसे ही होता है आयोग में, 2019 का देख लीजिए, पहले जब वैकेंसी आई, जब आया था एप्लीकेशन फॉर्म, उस समय आपका 400 के अप्रॉक्स वैकेंसी थी, बढ़ते बढ़ते 800 हो गई। तो अभी जो आयोग के पास जितनी वैकेंसी आई थी वो 200 से 250 थी, जिसमें बोला जा रहा है कि एसडीएम के 66 पोस्ट हैं, अब ये पोस्ट बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि इसमें पे रहेगा। और डिप्टी एसपी जो है अभी तक उसमें बोला, जहां तक ये खबर है, ठीक है, आयोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, नोटिस में, नोटिफिकेशन में कहीं ये जिक्र नहीं करता कितनी वैकेंसी है, मगर जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अंतर्गत डिप्टी एसपी की वैकेंसी अभी उसमें इंक्लूड नहीं की गई है। और कुछ वैकेंसियाँ अभी आयोग में पहुंची नहीं है, क्योंकि उसमें ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है, कुछ क्षेत्रीय आरक्षण के कारण वो वैकेंसी आयोग तक पहुंची नहीं, इसलिए नोटिफिकेशन के समय वो क्लियर नहीं हो पाई थी। इसलिए जब ये आपका एग्ज़ाम होगा उस समय तक ये आपका वही जो मैंने आपको बताया था एक वैकेंसी वाला, जिसमें आरओ और पीसीएस 2020 के बारे में मैंने बात किया था कि ऑन अप्रॉक्स 800 से 1000 आएगी,
तो ये समझ लीजिए कि अभी 200 है तो ये 800 हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये ना सोचना कि सर वैकेंसी कम है, वैकेंसी कभी भी कम नहीं होती। हर एक एग्ज़ाम में जब शुरुआत होता है उसका नोटिफिकेशन से, तो उसमें आपकी वैकेंसी कम ही होती है। तो आप लोग जितने भी लोग फ्रेशर कैंडिडेट हो, परीक्षा प्लस टीम के साथ जुड़ जाओ। डिस्क्रिप्शन में पूरा वीडियो के दिया गया है कि आप हमारी टेस्ट सीरीज़, हमारी बुकलेट कैसे आप परचेस कर सकते हो, कैसे हमारी टीम से जुड़ सकते हो। अब जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हो, जो है ओल्ड स्टूडेंट हो, उनके लिए पीसीएस के लिए जो है टेस्ट सीरीज़ निकाला गया। और जितने भी फ्रेशर कैंडिडेट हो, 2 महीना है नोट्स के साथ टेस्ट सीरीज़ दिया जा रहा है। आप लोग कम दाम में दिया जा रहा है, सबसे कम जो है परीक्षा प्लस का जो है होता है, आपका दम लगाया जाता है, क्योंकि कम से कम में सभी स्टूडेंट जो है उसे परचेस कर सकें। ठीक है, तो आपको अगला वीडियो मिलेगा जिसपे आपको क्या करना पड़ेगा, वो देखिएगा कि आपको किस किस विषय पर टारगेट करना है, कैसे हमें सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ और अगली वीडियो में मिलता हूँ। धन्यवाद।